मैं हूं जयति और आप देख रहे हो मॉम्स डायरी चैनल फॉर न्यू एज मॉम्स। दोस्तों, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी ये कमेंट तो जरूर सुनने को मिला होगा कि नो आपका बेबी बहुत पतला दिख रहा है, या आपका बेबी बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है, या यू नो आप ठीक से ख्याल नहीं रखते, और सम और दी अदर नेगेटिव कमेंट बेबी के हेल्थ को लेकर, जो कि हमें बुरा लगने से ज्यादा हमें परेशान कर देता है कि क्या ये सच है, क्या सच में हमारा बेबी अनहेल्दी है, क्या सच में हम यू नो कोई कमी कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बेबी का वेट ठीक से बढ़ नहीं रहा या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे टाइप के थॉट्स आते हैं दिमाग में। मैं खुद भी सिचुएशन में रह चुकी हूँ जब मुझे बोला जाता था कि यू नो शिवन्या बहुत पतली है एंड वो बहुत खेल कूद बहुत एक्टिव है लेकिन वो बहुत पतली है। तो कुछ टाइम के लिए मैं भी टेंशन में आ गई थी, और तब मैंने अपने डॉक्टर से मिली, अपने डॉक्टर से बात किया, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से ये चीजें ओवरऑल समझाई कि डॉक्टर का रिकमेंडेशन क्या होता है अबाउट बेबीज वेट गेन। और वही सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो बिफोर यू नो आप कोई नेगेटिव चीज दिमाग में लाओ कि यू नो आपसे कोई गलती हो रही है या सच में आपका बेबी अनहेल्दी है और आप कहीं गलत पढ़ रहे हो, प्लीज ये वीडियो पूरा देखो और समझो, और अपने बेबी को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस फॉलो करो, ना कि लोगों के क्रिटिक्स। तो आज का ये वीडियो है सारी उन मॉमीज के लिए जिनके बच्चे 0 to 2 years तक आते हैं, उनका वेट कैसा बढ़ना चाहिए, हेल्दी वे में कितना बढ़ना चाहिए, और अगर कम है तो उसको किस तरह बढ़ाना है, हम सब आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए एंड कहीं मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स डायरी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, बच्चों का बर्थ वेट यानी जब बच्चा पैदा होता है तुरंत उसका जो वेट होता है वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके आगे का जो बच्चे का जो ग्राफ होता है वेट गेन का, वो पूरा का पूरा उस बर्थ वेट पे डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे देखा जाए तो हर एक हॉस्पिटल में हर एक डॉक्टर जो होता है बर्थ होते ही जन पैदा होते ही बच्चे का वजन जरूर लेता है और आपको नोट करके देता है, आपको एक प्रॉपर फाइल बनाकर देता है। लेकिन स्टिल कुछ कुछ जगह ऐसे हैं अभी भी, जैसे ज्यादा जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, या लोग चाहते हैं कि ना घर पे ही बच्चा दाई वाई के हाथ से जन्म ले ले, तो उसमें बच्चे का वजन जो होता है, जो पैदा होने के बाद का वजन होता है, वो मेजर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आगे उसको देखना, आगे उसको चेक पे रखना वेट को, वो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए प्लीज मेक श्योर करो कि आपके बच्चे का बर्थ के टाइम पे वजन डेफिनेटली लिया गया हो और आपको हैंडी हो, एक तो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपके पास एकदम हैंडी होना चाहिए ताकि आपको ग्राफ जो है वो मेंटेन कर पाओ, चेक कर पाओ रूटीन में, ठीक है। उसके बाद 6 महीने तक उसको उसका जो वजन है वो अपनी बर्थ वेट के 2 गुना बढ़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लाइक अगर पैदा होते ही बच्चे का वजन 3 किलो था तो उसका 6 महीने तक वजन जो है वो 6 किलो का होना चाहिए। ओके, एक छोटी सी बात, जब बच्चा पैदा होता है ना उसके बाद 1 हफ्ते तक या यू नो 10 दिन तक बच्चे का वजन घटता है, 10 दिन मैक्सिमम हो गया, 1 हफ्ते तक बच्चे का वजन घटता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है ना उसे दूध पीने में बहुत दिक्कत होती है, लाइक दूध ही उसका ब्रेस्ट मिल्क ही उसका फूड है, वो पीने में उसको दिक्कत होती है बिकॉज उसके लिए सब कुछ नया है। देन एक माँ के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि दूध ठीक से निकल नहीं रहा, या वो लैच ठीक से नहीं करा पा रही, या ठीक से पिला नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग का जो 1 हफ्ता है ना उसमें वेट रिड्यूस होता है, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आपका डॉक्टर भी आपको मेंशन करेगा कि उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है वजन बढ़ते रहना चाहिए। ओके, 6 महीने तक जैसे मैंने कहा आपसे 2 गुना वजन हो जाना चाहिए, यानी 3 किलो से 6 किलो फॉर एग्जाम्पल, एंड 1 साल की एज तक उसका बर्थ वेट से 3 गुना वजन हो जाना चाहिए, यानी 3 किलो 6 किलो 6 महीने पे एंड 9 किलो हो जाना चाहिए 1 साल पे। ओके, क्लियर है? तो इसलिए बर्थ वेट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एवरी वीक भी आपको वेट यू नो आपका डॉक्टर जो होगा वो उसका मेजर करता रहेगा, या फिर आप खुद भी घर पे एक वेइंग स्केल रख सकते हो, आप उसका एवरी वीक भी मॉनिटर कर सकते हो कि वजन थोड़ा थोड़ा बढ़ना ही चाहिए, यू नो अब उसका वजन का जो ग्राफ है ना वो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर वो ऐसे हो रहा है दैट मींस वो बीमार है, या ठीक से खा पी नहीं रहा है, या कुछ तो उसको प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वेट गेनिंग जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन वेट कंटिन्यू गेन होना चाहिए एवरी वीक,
किसी महीने, किसी हफ्ते में 100 ग्राम बढ़े, किसी हफ्ते में 500 ग्राम बढ़े, यू नेवर नो, लेकिन गेन होते ही रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक साल तक बच्चा हुआ है एंड अब आपको लगता है कि 9 किलो जो है वो रिकमेंडेड, 9 किलो इन द सेंस 3 गुना जो है वो रिकमेंडेड है, लेकिन अगर इससे थोड़ा कम भी है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों की एक्टिविटी लेवल के ऊपर भी डिपेंड होता है, डिपेंड करता है, लेकिन 3 जो है वो रिकमेंडेड है, तो 3 गुना आपको वो ध्यान देना है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तब तो वेल एंड गुड, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन इससे कम अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है, थोड़ा बहुत है डिफरेंस, देन इट इज फाइन। अगर 8 किलो बढ़ा, 3 से 8 ही बढ़ा या 7.5 ही बढ़ा तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर बहुत ही कम है, 3 से 1 साल में सिर्फ 6 ही किलो हुआ है, तब आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। अब 1 साल के बाद की अगर बात करूं तो अब आप बोलोगे यार अब 0 से 1 साल में अगर इतना बढ़ा है तो 1 साल से 2 साल में भी इतना बढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब उसका बॉडी एक स्टेबल ग्रोथ में है, अब जो बढ़ेगा वो धीरे 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 बढ़ेगा, दो से 3 किलो मैक्सिमम एक पूरे साल में, यानी 1 साल की उम्र से लेकर 2 साल की उम्र तक हार्डली 2 से 3 किलो बढ़ना चाहिए। So, अगर आपके बच्चे का 1 साल पे वेट 9 किलो था तो 2 साल पे होते होते उसका 2 से 3 बोले तो 12 किलो तक बढ़ना चाहिए। इससे ज्यादा बढ़ा तो ऑफ कोर्स वेल एंड गुड, कम बढ़ा, थोड़ा कम हुआ डिफरेंस टेंशन नहीं, लेकिन बहुत ही कम हुआ तो टेंशन है। दोस्तों ये बात समझना बहुत जरूरी है कि दो बच्चा जब 0 to 1 में होता है तो उसकी एक्टिव लेवल थोड़ा कम होती है, होती है धीरे धीरे तो ऑफकोर्स बढ़ती है, लेकिन जब बच्चा 1 साल के ऊपर जाता है तो उसकी एक्टिविटी लेवल बहुत बढ़ जाती है, इसलिए वो जो भी कैलोरी खा रहा है वो उसकी एक्टिविटी लेवल पे निकल जाता है, उसमें खर्च हो जाता है, एनर्जी लेने में खर्च हो जाता है, वो डिपॉजिट होके उसको मोटा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वेट थोड़ा धीरे धीरे गेन होता है। इसलिए आपके बच्चे का एक्टिविटी लेवल भी चेक करना बहुत जरूरी है। अगर उसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन वो सुपर एक्टिव है, खाना वाना ठीक से खा रहा है, दिन में 2 से 3 बार 40 कर रहा है एंड सुसु कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, तब आपका सब कुछ सही है। लेकिन अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन एक्टिविटी लेवल बिल्कुल नहीं है, या एकदम घट गया है लेकिन एक्टिविटी लेवल बिल्कुल नहीं है, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, टेंशन नहीं लो, डॉक्टर से मिल लो, ठीक है। ये हो गया बच्चे का जो ग्राफ था, ये क्लियरली आप समझ लो, आपको डॉक्टर एक चार्ट भी देता है आपके बच्चे के बर्थ के बाद, तो उस पर ये आपको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। अब आते हैं कि बच्चे का वजन अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। तो कई बार जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं उनका वजन बहुत ही कम होता है, उनको बहुत अच्छे से आपको उनके वजन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका है, जब 0 to 6 है तब तो उसको प्लीज दोस्तों ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखो, ना पानी ना ऊपर का कोई खाना ना कोई दूध, कुछ नहीं, सिर्फ अपना दूध पिलाओ उसको, माँ का दूध इतने छोटे से बच्चे के लिए ना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। अगर किसी वजह से, किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आप उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो तो चूज अ गुड फॉर्मूला मिल्क, अपने डॉक्टर से बात करके एक अच्छा फॉर्मूला मिल्क अपने बच्चे के लिए चूज करो। फॉर्मूला मिल्क से वजन थोड़ा जल्दी बढ़ता है लेकिन फॉर्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क जितना हेल्दी नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क से वजन धीरे 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 बढ़ता है लेकिन वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, वो एक हेल्दी इंक्रीज होता है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क जो पी रहा है वो 0 to 6, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम आपको उसको दोनों ब्रेस्ट पे देना है। अगर उसने 10 मिनट एक ब्रेस्ट से पिया तो 10 मिनट दूसरे ब्रेस्ट से पिलाओ, 15 मिनट एक ब्रेस्ट से पिया तो 15 मिनट दूसरे ब्रेस्ट से पिलाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ब्रेस्ट का आपका दूध पूरा खाली हो चुका है, बच्चा सक करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, थक जाएगा और सो जाएगा, तो उसका पेट नहीं भरेगा, तो उसकी जो न्यूट्रिशन की जरूरत है उसको वो कम हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि दोनों से पिलाओ। जैसे जैसे आपको फील होता है, जैसे खाली होने लगता है ना, आपको फील होता है जब आपका ब्रेस्ट हैवी होता है, दूध भरा हुआ होता है तो ब्रेस्ट आपका बहुत हैवी हैवी फील होता है, जैसे ही बच्चा पीने लगता है ना आपको सुकून मिलती है कि हाँ हल्का हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इतने देर मुझे ये ब्रेस्ट पिलाना है, इतने देर मुझे ये ब्रेस्ट पिलाना है। दूसरी चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब इनिशियल जो दूध आता है ना वो बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही पानी जैसा होता है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, इसलिए वो पीने के बाद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके बाद का जो गाढ़ा वाला दूध आता है वो बच्चे को नहीं चाहिए, वो तो बहुत चाहिए, वो ही वेट मेंटेन करने के लिए एक्चुअल में चाहिए। तो
तो जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो मेक श्योर करो वो स्टार्टिंग का तो बहुत इजीली ले लेता है, उसके बाद ना उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो वो हटाओ नहीं, उससे पूरा दूध उसको पीने दो ताकि वो पतले वाली का भी पूरा न्यूट्रिएंट्स ले ले एंड बाकी जो बाद का जो दूध है जो गाढ़ा वाला दूध है जिसमें फैट की मात्रा अच्छी है वो भी वो अच्छे से पी ले। अब इसको अगर आपको समझना है ना तो बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के एक बॉटल में रखो, फ्रिज में रखो, थोड़ी देर बाद आप खुद नोट करोगे जो फैट है वो ऊपर जम जाएगा, ऊपर का एक लेयर बन जाएगा एंड जो भी नीचे का पतला दूध है ना वो नीचे आपको दिखेगा पूरा दूध। तो जब ऑफकोर्स आपको हिलाकर ही उसको पिलाना है, लेकिन ये आपका एक तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये देखो इतना फैट है और इतना पानी है। तो उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना, आपको अच्छे तरीके से घी फल आलू चावल ये सब खाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके बॉडी से तो वो फैट लेगा, राइट। एंड हाँ, ब्रेस्ट मिल्क औरतों के लिए भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, जो इनिशियल वेट होता है आफ्टर डिलीवरी वो कम करता है, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क इज द प्रेफर्ड थिंग फॉर चाइल्ड स्पेशली 0 to 6। अब 6 month के बाद अगर बात करें तो वो धीरे धीरे खाना उसका बढ़ता है, लाइक उसको अलग अलग फूड्स मिल रहे हैं, उसको अलग अलग तरीके का आपको डिशेस उसको दे सकते हो। तो इसमें भी आप कोशिश करो, जैसे जब दाल दे रहे हो तो उसमें घी अच्छे से डाल के दो, उसको चीज दो, उसको आलू दो, स्वीट पोटैटो दो, जो 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 फैट वाली चीजें है ना अच्छी वाली चीजें वो बच्चों को दो, उससे उनका वजन भी बढ़ेगा, बॉडी में अच्छे से फैट जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि इतना मैं फैट दूंगा एंड बच्चा मोटा हो जाएगा, एक्सेस में वेट बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चे का जो एक्टिविटी लेवल है ये इस फैट को इजीली गायब कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज ये सब चीजें आपको बच्चे को देना शुरू कर देना है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको बच्चे का वजन अगर बढ़ाना है तो उसको आप क्या 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 दे सकते हो ना अच्छे हेल्दी वजन के लिए, तो वो आप बाद में देख सकते हो। लेकिन ये था मेरा अब तक का वीडियो, लाइक आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा, पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक बटन करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को देखने के लिए और हमें इतना पसंद करने के लिए, एंड देखते रहिए। थैंक यू सो मच।